अरे ओए शिनचैन, बाहर आके मेरे साथ गाड़ी की सफाई करवा यार। कहाँ मरा है? मैं सारा काम मेरे को अकेले को करना पड़ रहा है यार। कहाँ है तू? अरे अरे फ्रैंकलिन भैया, क्या हुआ? ये क्या फिर से खटारे से गाड़ी लेके बैठ गया? और ये क्या आपने इतना ज्यादा गंदगी डाल रखा यहाँ पे? शिनचैन तेरे को दिख नहीं रहा है, हमारी गाड़ी को मैं साफ कर रहा हूँ। और मैं यहाँ से ना भंगार में ना पेंट बिक रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज ना हम अपनी गाड़ी को ना पेंट कर लेंगे, ठीक है? ये खटारे सी गाड़ी का कौन ही पेंट करेगा? इसके तो जगह जगह पे जंगल लगा पड़ा है। हाँ शिनचैन, अभी हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास यही तो एक गाड़ी है ना यार। हाँ, वो तो है। देखना शिनचैन, ये सारे पेंट के बॉक्स जो है ना, मैं भंगार से खरीद के लेके आया हूँ। ये पेंट के बॉक्स ना मेरे को सिर्फ 5-5 रुपए के पड़े हैं। इससे ना अपने मुंह को भी पेंट कर लेना, आपका मुंह भी बहुत काला हो रखा है। ऐसा मत बोल यार, देखना मेरी गाड़ी का कितना बुरा हाल हो रखा है। चलना हम आज इसको चमका देते हैं अच्छे से। नहीं नहीं ऐसा मत करना, ये गाड़ी सही नहीं होगी, मेरे को पता है। और आपने तो ये गाड़ी भंगार से खरीदी थी ना, वो भी सिर्फ 50 रुपए में। 50 रुपए में तो खरीदी थी, बट अभी इसको सही करके चलाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही गाड़ी है ना जिसमें हम इधर उधर जा सकते हैं। नहीं ऐसा मत करो, आपने इसको बेच दो। अरे अगर हम इसको बेच देंगे ना, फिर हमको मार्केट भी पैदल ही जाना पड़ेगा। शिनचैन तेरे को पता नहीं है क्या? हाँ, ये तो है। हेलो यार, आज थोड़ा घूम के आता हूँ। अरे फ्रैंकलिन और शिनचैन, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे हल्क, तुम आज हमारे घर में कैसे आ गए? और यार तेरे पास कितनी बढ़िया कार है यार, ये कहाँ से ली तूने? अरे वाह हल्क भैया, इतनी बढ़िया कार, मजा आ गया देख के। कितने रुपए की ली आपने? अरे ओ भिखारी, मेरी गाड़ी के ऊपर नजर मत लगाओ, पता है कितनी महंगी कार है ये? पूरा 10 करोड़ की लिया मैंने। और ये क्या तुम लोग ये खटारा सी गाड़ी लेके खड़े हो यहाँ पे? इसको कहीं भंगार में बेच दो, इसके तो तुमको 10 रुपए भी नहीं मिलेंगे। नहीं हल्क भैया, हमारी गाड़ी जो है ना बहुत ही ज्यादा बढ़िया चलती है, हम ना जल्दी ही इस गाड़ी को बहुत बढ़िया बना देंगे। ये देखो फ्रैंकलिन भैया जो है ना भंगार में से ना ये पेंट बॉक्स खरीद के लेके आए हैं, और ये ना गर्मी मैकेनिक करेंगे। ये भी कोई गाड़ी है? ये देखो मेरी गाड़ी कितनी मस्त है, इसका जैसी गाड़ी देखा कभी तुमने अपनी जिंदगी में? अरे यार शिनचैन, ये तो कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा रहा है, मेरा तो दिल कर रहा है ना मैं इसको यहीं पर तोड़ दूं। अरे अरे फ्रैंकलिन भैया, क्यों अपनी हड्डी तोड़वानी है? उसकी बुद्धि देखिए अपने, आपको एक मुक्के में ढेर कर देगा वो, टिक्के में ढेर, कुछ मत बोल रहा उसके सामने। हाँ यार शिनचैन, बात तो तू सही कह रहा है, पर यार ऐसा थोड़ी ना होता है, अगर किसी के पास ज्यादा पैसा तो आके हमारी बेइज्जती करेगा क्या वो? तुम लोग क्या आपस में बातें कर रहे हो? अरे अरे कुछ नहीं हल्क भैया, हम तो वैसी बातें कर रहे थे कि आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है, हम भी ऐसी गाड़ी जल्दी ही खरीदेंगे। हाँ हाँ, इतनी औकात नहीं है तुम्हारे, तुम ये गाड़ी खरीद पाओगे? अरे शिनचैन, अभी ना इस हल्क का बहुत ही ज्यादा, और अभी ना बस ये यहाँ से चला जाए, नहीं तो मेरे हाथ से ना कुछ आज अनर्थ हो जाएगा। अरे अरे ऐसा मत बोलो फ्रैंकलिन भैया, चुप बैठो। अरे ये फ्रैंकलिन हल्क और शिनचैन अभी क्या कर रहे हैं? अरे छी, कितनी गंदी गाड़ी है इनकी, छी। हाँ यार होगी, देखना कितनी गंदी गाड़ी है इनकी। अभी क्या कर सकते हैं, ये तो है एक पता ही गरीब है ये दोनों। अभी आप दोनों का ना ज्यादा हो रहा है। फ्रैंकलिन भैया, आप इनको कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? शिनचैन, मन तो मेरा भी कर रहा है इन दोनों की खोपड़ी ना मैं यहीं पर तोड़ दूं, पर ना यार इनके पास इतनी बड़ी बड़ी जो कार है ना, इनकी वजह से मैं इनकी इज्जत कर रहा हूँ बस। हाँ हाँ, जो तेरी लेने की औकात नहीं है, यही कार से ना वो, इसके बारे में कभी सपना भी मत देखना, मुझे हंसी आ रही है तेरी हालत देख के। अरे ओ फ्रैंकलिन भैया सुनो, हम ना किसी न किसी तरीके से ना पैसे को जुगाड़ करके आते हैं, चलो यहाँ से चलते हैं, वरना ये ना हमारी बेइज्जती कर करके हमको मार देंगे। शिनचैन तू बिल्कुल सही कह रहा है, चल यार राजा हम घर के अंदर चलते हैं, कपड़े वपड़े पहन के आते हैं, उसके बाद ना हम इनको मजा से खाएंगे, ठीक है? आरो, चलो कपड़े पहन लो जल्दी से, उसके बाद हम गाड़ी का इंतजाम करेंगे। ठीक है शिनचैन, मैं अभी कपड़े पहन के आता हूँ। चलो यार अभी मैं जाके ना कपड़े पहन के आता हूँ जल्दी। कौन से कपड़े पहनूं यार, एक तो मेरे पास कपड़े इतने ज्यादा है कि मेरे को समझ ही नहीं आता है कि आज कौन से वाले कपड़े पहनूं मैं। चलो आज ना मैं छपरी बन के जाऊंगा, क्यों लग रहा हूँ ना एक नंबर का सेक्सी मैं अभी। यार अभी शिनचैन के पास चलते हैं और देखते हैं हमको हमारी गाड़ी कैसे मिलेगी। अरे ओ शिनचैन। अरे वो फ्रैंकलिन भैया, अपने कपड़े चेंज कर लिए। हाँ शिनचैन, तूने भी तो चेंज कर लिए यार, पर तूने मेरे से पहले चेंज कर लिए। हाँ मैं तो हर एक चीज में आपसे तेज हूँ ना, चलो चले गाड़ी लेने। आजा शिनचैन, आजा चलते हैं। फिर से इस खटारे गाड़ी में बैठना पड़ेगा मुझे। चुप करके बैठ जा शिनचैन, दिमाग मत खराब कर मेरा। बैठूंगा ही, मैं कौन सा पैदल जाऊंगा, चलो चले। और फ्रैंकलिन भैया, हम जा कहाँ रहे हैं? शिनचैन तुझे पता नहीं है क्या, यहाँ पर से ना ट्रेन गुजरती है जिसमें से ना माइकल ने बहुत बार कार चुराई हुई है। तो फिर आपको इस बारे में पता नहीं था क्या? अरे मुझे पता तो था, बट मैंने सोचा चलो क्यों हमको चोरी करनी है यार।
ऐसी बात है तो फिर अभी क्यों चोरी कर रहे हो? अभी रहने दो ना, करवा लो और बेइज्जती जाके हल करोगी से ये खटारा सी गाड़ी के साथ। अरे यार शिनचैन ऐसा मत बोल, बेइज्जती हूँ तभी तो गुस्सा आया ना, तभी तो मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ ना, नहीं तो तेरे को पता ही है ना हमने इतने दिनों से कोई भी चोरी नहीं करी है। फैक्ट्री भैया मुझे पता है, अभी जल्दी चलो अपनी बकबक बंद करो, कहीं वो ट्रेन हाथ से ना निकल जाए। नहीं नहीं शिनचैन ऐसा कुछ नहीं होगा, बट हमको ना उस ट्रेन से ना बहुत ही ज्यादा सावधानी से ना वो वाली गाड़ी चोरी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने सुना है कि उसके साथ ना बहुत सारे पुलिस वाले भी होते हैं और साथ में ना बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं। फैक्ट्री भैया अभी हम क्या करेंगे अगर हमारे पीछे पुलिस पड़ गई तो? अच्छा नहीं होता शिनचैन, तू टेंशन मतलब मैंने जो है ना अपनी गाड़ी में ना गन वन रख लिए हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है मेरे को, बस तू मेरे साथ रहना। फिक्री भैया मैं तो आपके साथ ही रहूंगा, मेरे को मरना थोड़ी ना है। बिल्कुल शिनचैन अभी ना हम जल्दी से पहुंचे रेलवे ट्रैक के ऊपर, ताकि ना हम जाके उस ट्रेन को पकड़ सके और उसमें से ना हमको एक बढ़िया सी कार मिल सके यार। हमारे दिन बदलने वाले हैं, देखते हैं आज हमको कौन सी गाड़ी मिलने वाली है। बिल्कुल शिनचैन आज तो देखना ही पड़ेगा यार कि आज हमारी किस्मत ऐसी चमकने वाली है। फकीर भैया जल्दी जल्दी चलो। अरे शिनचैन हम ना रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए हैं, अभी ना हम अपनी गाड़ी को यहीं पर रख देते हैं और ना हम वेट करते हैं दूसरी ट्रेन आने का, क्योंकि ना ये वाली ट्रेन तो हमारी छूट गई है शिनचैन। अरे अरे कोई बात नहीं, अभी हमारी दूसरी ट्रेन भी तो यहाँ से आएगी ना, चलो यहाँ पर वेट करते हैं। हाँ शिनचैन आजा यार, देखते हैं कब तक ट्रेन आती है हमारी। यार शिनचैन देख तो सही यहाँ से कितना बढ़िया नजारा लग रहा है, मैं तो ना अपना कैमरा भी साथ में लेके आया था, यहाँ से ना हर एक जगह की पिक क्लिक करूंगा मैं। अरे अरे फिक्री भैया ऐसा मत करो। अरे यार शिनचैन लेने देना पिक्स, कितनी बढ़िया आ रही है, ये देख तो सही मजा ही आ रहा है यार, ये देख शिनचैन ये देख कितना मजा आ रहा है यार। अरे अरे फिक्री भैया बस करो, ट्रेन निकल जाएगी। अरे ट्रेन आने तो दे, तभी तो ट्रेन निकलेगी। अरे यार शिनचैन हमारी वाली ट्रेन तो आ ही नहीं रही है। अरे अरे कोई बात नहीं, आ जाएगी हमारी वाली ट्रेन भी जल्दी आ जाएगी, बस यहीं पर रहो, अब कहीं मत जाना। अरे मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो यहाँ से चला जाऊंगा, देखते हैं कब तक ट्रेन आती है यार, दो घंटे हो गए यहाँ पर खड़े हुए, भूख भी लग गई मुझे तो। आपकी पॉकेट में ना मैंने बिस्किट रखे थे, पार लीजिए वो खा लो। अरे वो तो मैंने गाड़ी में बैठ के खा लिया था। अच्छी कितने भूखे हो, मेरे को पूछा तक नहीं, गंदे हो। चल अभी चुप बैठे यार, शिनचैन ट्रेन का वेट कर यहाँ पर। वही तो कर रहा हूँ, कब से आ ही नहीं रही है ट्रेन के नखरे ही नहीं मान। वो तेरी सहेली है क्या जो उसके नखरे देख रहा है तू? चोरी करने आए हैं यहाँ पे हम। हाँ, मुझे पता है चोरी करना भी तो एक कला है, कौन सा सब लोग कर सकते हैं। हाँ हाँ ये कला है, अगर किसी ने हम चोरों को पकड़ लिया ना तो पुलिस के डंडे जो पिछवाड़े पे पड़ेंगे ना तब तेरे को पता चलेगा। भैया शुभ शुभ बोलो, ऐसा मत बोलो मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। अच्छा अच्छा ठीक है यार शिनचैन मैं चुप हूँ। अरे अरे फ्रैंकली भैया वो देखा ट्रेन आ गई। हाँ शिनचैन अभी ना यहाँ पर आ जा जल्दी से, मैंने यहाँ से छलांग लगा दूंगा नीचे ट्रेन के ऊपर। हाँ हाँ मैं यहीं पर हूँ, जल्दी जल्दी भागो मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। ठीक है शिनचैन ना जा। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे वाह शिनचैन तू भी आ गया। हाँ फ्रैंकली भैया मैं भी आ गया, चलो अब जल्दी से जाके ट्रेन को हाईजैक कर लो। हाँ शिनचैन वही करता हूँ यार, जल्दी से जाके ट्रेन को हाईजैक ही करता हूँ, तब तक जो है ना तू डिब्बा देख कौन से वाले डिब्बे में हमको गाड़ी मिलने वाली है यार। अरे यार ट्रेन का इंटीरियर तो देखो कितना मस्त लग रहा है भाई, अंदर बैठ के मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं ही ट्रेन चला रहा हूँ।